अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात के 4 बज रहे हैं और हम निकले हैं बीटी स्टेशन के लिए मलाड से। हम मलाड हाईवे पर हैं फिलहाल। बीटी स्टेशन पर हमारी 3 बास्केट आने वाली हैं जिसमें टोटल 7 कैट होगी। 3 बास्केट के अंदर हमारे 6 किटन होंगे और एक अडल्ट कैट होगी। तो लेट्स सी, हम देखते हैं। अभी हम बीटी स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 18 पर। चूँकि कैट हमारी महाराष्ट्र औरंगाबाद के पास परभनी है, वहाँ से आने वाली है। तो अब हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 18 के बिल्कुल लास्ट डब्बे की तरफ, इंजन से बिल्कुल लास्ट डब्बे की तरफ हम जाएंगे, जहाँ पर सेकंड लास्ट जो डब्बा होता है वो एनिमल, लाइव एनिमल के लिए होता है। तो अब हम जा रहे हैं लास्ट डब्बे की तरफ और चलते चलते मैं आपको इसका प्रोसेस समझाता हूँ। बहुत ईजी प्रोसेस है लाइव एनिमल को रेलवे में ट्रांसपोर्ट करना। तो अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी एक कैट आ रही है परभनी से, तो हमारे दोस्त जिन्होंने ये कैट ट्रांसपोर्ट की, उनको सबसे पहला काम ये करना हुआ कि उन्हें कैट को बास्केट के हिसाब से उनको डिवाइड करना है। 3 किटन एक बास्केट के अंदर रहते हैं, उससे ज़्यादा किटन नहीं रह सकते हैं। तो 3 किटन एक बास्केट में, दूसरे 3 किटन एक बास्केट में और एक एडल्ट कैट को एक बास्केट ज़रूरी होती है। और ये तीनों बास्केट उन्होंने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पास लेकर गए, जो जिसमें लगेज हम सामान वगैरह डालते हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में। और इस प्रोसेस में सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि जहाँ से हमारी कैट आ रही है, मिसाल के तौर पर परभनी से हमारी कैट मुंबई आ रही है, तो वहाँ के लिए एक टिकट बुक होना ज़रूरी है। आप किसी भी कुली को पूछेंगे जो लगेज वगैरह उठाते हैं, तो आपको बता देंगे ट्रांसपोर्ट ऑफिस कहाँ पर है। ट्रांसपोर्ट ऑफिस पहुँच कर आपको एक पावती बनानी होती है, जो नग के हिसाब से और वेट के हिसाब से वो लोग बनाते हैं। अभी हमारी 6 किटन और एक अडल्ट कैट, इनका हमें एक अंदाज़ा लगा कि इसका 480-85 के आसपास इसका हमें वज़न और नग के हिसाब से प्राइस बैठा है। ये इतने में हमारी ट्रांसपोर्ट हुई है और ट्रांसपोर्ट ऑफिस वाले आपको जो पावती बना कर देंगे, वो पावती आपको कैट के बास्केट के साथ चिपका देंगे और वही पावती आपको यहाँ पर कैट लेते वक्त आपको काम आएगी। आप उसको निकालेंगे यहाँ से और फिर वो पावती आप वहाँ पर जो गार्ड होगा उस गार्ड को आपको देना है। तो पावती देने के बाद ही गार्ड आपको कैट देगा। अब हम पहुंच चुके हैं लाइव एनिमल के सेशन में, सेकंड लास्ट डब्बे में। ये जो डब्बा आप देख रहे हैं ये डॉग्स एंड कैट्स के लिए होता है। मैं आपको अंदर से इसका दिखा देता हूँ, लाइट नहीं चुके शॉर्ट कट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डब्बा है कैट का, जहाँ पर हमारी कैट ट्रांसपोर्ट होकर आई है। यहाँ से अभी हमने कैट निकाले बाहर, और यहाँ से बाहर निकालने के लिए, यानी स्टेशन के बाहर निकालने के लिए कैट का आपको एक गेट पास बनाना होता है, जो कि बहुत सस्ता होता है। तो टोटल हमारा खर्च जो है वो 1000 रुपये के अंदर बैठा है, जिसमें कैट का ट्रांसपोर्टेशन प्लस एक पर्सन की टिकट परभनी टू मुंबई और प्लस गेट पास। और ये दो दोस्त हमारे साथ में, रात भर इनको हमने सोने नहीं दिया और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनको जगाए रखा। अब हम किटन के अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हमारी कैट है, जिसमें ये ब्लू बास्केट जिसमें एडल्ट कैट है। और इस बास्केट के अंदर हमारे 3 किटन है नॉर्मल आइज के, और जो दूसरी बास्केट है उसके अंदर 3 जो वाइट किटन है वो तीनों ब्लू आइज के हैं, और इनमें एक जो है वो मेल है, बाकी 5 फीमेल है। तो हम इसकी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जो लोग भी इंटरेस्टेड है इसको ख़रीदने के अंदर तो वो हमें पर्सनली व्हाट्सअप करें हमारे नंबर पर 8356047186। डिस्क्रिप्शन में ये नंबर आपको मिल जाएगा और इन किटन की अलग अलग वीडियो हम अपने चैनल के थ्रू देते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।